சொன்னே இதெல்லான் ஸ்ரீநாம சாரி சம்சார் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் சத் ஸ்ரீ அகால் யா நமஸ்கார் மை ஹூ ஆப்கா خدمت گزار محمد شریف اسحاق آج دن صدق 28 دسمبر ہے منگلوار دسمبر کا 28 تاریخ ہے آج ہی کے تمام خبروں میں سے میں نے خاص خبریں ترجمہ کرتے ہی آپ ہی کے ساتھ پہلے سورینام دیش جاؤں گا اس کے بعد ساری سنسار سفر کر کے نیدرلینڈ آ کر ایک لطیفہ کے ساتھ یہ خبریں ختم کروں گا سورینام رخیرین باؤتر سا ادھین دیس کے جنتا کو خوش کرنے کے خاطر پردیس سے قرضہ لیتے گئے نہ جانے کیا کیا گروی رکھ کر کے جب چناوٹ ہوا اچناوٹ یہ لوگ نے ہار گئے ہیں और जीत हुआ रखेरें संतों के ब्रिंस वे के तब पता चला कि सोशल इकोनॉमी से सिचुएशन कितना कठिन बिगड़ गया है ऊपर से कोविड-19 पंडेमिक भी आ गया है तब देश के जनता बहुत गरीबी महसूस करने लगे हैं पकेतन के ऊपर पकेतन लोग ने बांटते रहते हैं आज के खबर बता रहे हैं कि शिनेई से लिमिंग रेस्टोरेंट के एकनार जॉन यांग भी पुकारा है अपना शिनेई से समाज को तो ये लोगों ने भी मिलजुल करके डोनेट किए हैं कमो बेस दरी होंदत फुटसल पकेतन जिसमें सोन मार्क मेडलन है क्लेडिंग है स्कूल भी है सोशल इंस्टॉलिंग और गरीब जनता को भी बांटे हैं ये पर हमारी बहु से लेकर डिस्ट्रिक्ट मरवैन तलक मोंगो की जनता को भी फुटसल पकेतन बांटा गया है शिनेई से खमेंस खाप देल हुन लिफ्ट ऑफ ट्वेड कर्स में 3 सोशल इंस्टेलिंगन सिपाही एक अख्तुन दखियार 28 बरस के देरक एल को गिरफ्तार कर लिया है अगर कोई चोरी करने का नया तरीका सीखना चाहता है तो डेरेक एल से सीखे मालूम हो कि फेसबुक ग्रुप थिंग्स फॉर सेल पे आईफोन्स बेचने को इश्तेहार छापा हुआ था तो डेरेक टेलीफोन करके बोले कि मलिसा मार्कस ये आईफोन टेलीफोन खरीदना चाहता है एड्रेस बताया बेचने वाला वो एड्रेस पे पहुंचा तो ये डेरेक उनको इंतजार किया रास्ते पे ये आईफोन्स हाथों में लेकर देख करके बोले कि मलिसा ये आईफोन्स खरीदना चाहता वो घर के अंदर में वो दिखा करके आ रहा है लेकिन वो घर के अंदर में नहीं गया वो घर के पिछवाड़े से है कूद करके भाग गया बस यही नया तरीका से वो दो जना के आईफोन्स चोरी कर लिया दोनों जना सिपाही को खबर किए यानी किस तरीका से सिपाही ये डेरेक एल को गिरफ्तार कर लिया है मांस प्रेक्ट ऑफ मेथ फॉर कोपर्स आईफोन्स एंड स्टेल्ड इन टेलीफोन्स कई अंशिकन है इसके 58 फरप्लिकुंदखन को सलांस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दिए हैं इंटेंसिव केयर यूनिट में कोविड-19 पेशेंटन को जोरख देने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए नई दलान से गए थे एतराब बाउट सिकन हाउस और बोन्स द फ्लो लोखम के इंटेंसिव केयर फॉर प्लेकुंदखन पिछले कई खबरों में आपको बताया गया कि कोता वेख के एक बकरे में रोफ मोर्ट किया गया है फैस्तियार 50 पर के चिनवा औरत जिसका नाम है जेंजी यांग उनका अपना बकरा है और लुटेरों ने उनका गर्दन दबो करके हत्या करके न जाने क्या क्या लूट ले गए हैं आज के खबर बताए हैं कि सिपाही फिर भी एक 15 बरस के लौंडा को गिरफ्तार कर लिए हैं वो अभी तक अपना किया हुआ जुल्म को कबूल नहीं किया है फैस्तियार यांगन आंख हौदा इन रोफ मोट जाक बकरे एरिदोरिस रात के एक घर में सिपाहियों ने तलाशी लिए तो 1,600 ग्राम कोकाइन पाए हैं घर पे द्रियन फैक्टियार 53 वर्ष का मर्दाना मौजूद था उनको गिरफ्तार कर लिए हैं जब ये मर्दाना को रेक्टर कमिसारस के पास पेश किए उनको जेल में दाखिल करने के लिए तो रेक्टर कमिसारस बोले ये मर्दाना
गैर कानूनी गिरफ्तार हुआ है, यही कारण उनको छोड़ने को जा रहा है। बताया कि सिपाहियों ने जब वो दरवाजे के सामने पहुंचा तो यह मर्दाना इजाजत नहीं दे रहा था घर के अंदर में तलाशी लेने के लिए, और सिपाहियों ने अपने साथ हेल्प ऑफिसर को नहीं ले गए थे, यही कारण यह गैरकानूनी है। बेत्रिक्स फंक्स आंख आउदमान वेर ऑफ प्रेयर फुट The sex is Zikan Communicasi from the St. Clemens Parochi. Her baras, Christmas me, to facious organiseer karte hain, Heuse Mayela, a Heuse Margaret, ke sesta plussers ke khatir. Aw I baras me bhi, 98-98 futsal paketan bhi garib janta ko baata gaya hai. आपको तो कब कहीं पता चल गया है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स IMF 690 US डॉलर 690 अमेरिकन डॉलर कर्जा सुरिनाम देश के देने को तो बात पक्का कर लिया है। इस वक्त जो यूरो के कोर्स है, अगर आप एसरदे खरीदना चाहते हैं तो एक यूरो के खातिर 20.593 एसरदे आपको मिलेगा। अगर जब आप यूरो खरीदना चाहते हैं तो आपको 20.4815 एसरदे आपको भरना है एक यूरो पाने के लिए। COVID-19 वेबसाइट पे खबर है कि सोमवार दिसंबर 27 तारीख को 500 जना को कोरोना टेस्ट किए, तो इन लोगों में से 82 नया लोगों बसमत हुए हैं, 10 जना अस्पताल में दाखिल हैं, 3 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं, 1 जना अच्छा हो गया है, 2 जना आइसोलेशन में दाखिल है। और खुशी की बात है कि किसी के मौत ना हुआ है। वैसे टोटल 1,187 जना देहांत हुए हैं जब से यह कोरोना छूत के बीमारी सुरिनाम देश में फैला है। एतवार के रात के वक्त टैक्सी में एक क्लंप बैठे या लोक्सी स्त्रात में पहुंचा तो बोले उनका पता आ गया है, तो क्लंप ने पिस्तौल निकाल करके शोफेर के कनपट्टी पर रख करके उनका धक्के मार करके ऑटो में से बाहर निकाला, उनका ऑटो ले करके अब भाग गया है। एक हफ्ता बीत गया है कि फिरतुवेल यानी कि वीडियो फॉर बेंडिंग के जरिए रोजगार के बात किए हैं द अलखमेन कॉन्फेडरेसी फॉर मारोकांस ऑन द मेनिंगन और फरीनिंग फन सुरनाम से बद्रेस लेफन और भी मिनिस्टर अलबर्ट रामदीन, तो ये मरकान सौंदने में इनको समझाया कि सुरनाम देश से बाकी जैत अमेरिका के मुल्कों में ये लोग अपना रोजगार फैला सकते हैं। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सुरनाम देश से, अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। रूसलैंड के सरकार मेंस रेखतन और खनिसासी को तो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। साल 2013 में मेंस रेखतन और खनिसासी मेमोरियल को ऊपर मुकदमा किया था कुछ बातें छिपा लेने के लिए, तो अब ये जो नहीं किए हैं तो अब रूसलैंड के सरकार फिर एक मुकदमा कर दिया है, तब हो खरेस खौफ। अब ये मेंस रेखतन और खनिसासी मेमोरियल को अब बंद करवा दिया है, बोले अब मनाही है कि ये लोग ने मेंस रेखतन के काम करें। इस तरह यल के लखमा फौजी हवाई जहाज ने तमाम बम बरसाया है सीरिया के हाफस्तात लताकिया के ऊपर, तो टेलीविजन पर लहाकार आग दिखाई देता है मेदरांस से समुद्र के किनारे लताकिया से कंटेनर टर्मिनल तक आगे लगा है। नीदरलैंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस रेगियो आम्स्टर्डम में ज्यादा फैला है। मालूम हो कि यह वायरस जो है यह कमती बीमार करता है लेकिन फैलता है बहुत ज्यादा, यह डेल्टा और ज्यादा लोगों को बीमार करता है।
मालूम हो कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट 100,000 जना में से एक हफ्ता में 627 नया लोगों बस में होते हैं हफ्ता में, वैसे पूरा नीदरलैंड में 800,000 जना में से 482 नया लोग बस में होते हैं। अस्पताल में इस वक्त 2,000 जना मौजूद हैं और 500 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। पुलिसी फकबंद आसे पे कब से ही सलारस के पास फरियाद किया है कि कमती सिपाही होने के सबब से फ्रेंडलेंगा पुलिसी तर आपल में ये लोग के ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन जो सलारस है बहुत कमती है, तो सलारस पर हुक्म जब मांगा जा रहा है नहीं देते हैं, तो आज फ्रेंडलेंगा पुलिसी जो तरापल में है एक आध घंटा काम करना बंद कर दिए थे। और पुलिसी फाकबन आसेपे बोले कि अभी और जगह पे ये फ्रेंडलेंगा पुलिसी तो हड़ताल करने वाले हैं। नीदरलैंड में कोरोना मात्र खलन है कि ज्यादा लोग एक दर पर ना होना चाहिएगा, फिर भी विंकल सेंटर में मेला लगा रहता है, और भी नीदरलैंडर्स अब बेल्जियम अंतवर्पन की तरफ भी जाने लगे हैं, तो बेल्जियम की सरकार भी इतराज किया है कि इतना ज्यादा लोगों आते हैं जहां अंतवर्पन में तो मेला लगा करके और वहां रहते हैं, तो बहुत कोरोना वायरस फैल सकता है और कोरोना वायरस ये लोग नीदरलैंड से बेल्जियम ले जा सकते हैं और बेल्जियम से नीदरलैंड ले आ सकते हैं। जिन लोगों पैदा हुआ है नई दिन 81 में अब ये लोगों से गुजारिश की जाती है खेखेदेही से अस्परक बना करके और बोस्तर प्रेग जाकर के लेने के लिए। प्यारे सुनने वालों, घर पे मेहमान होने के सबब से मैं कल देश विदेश की खबरें नहीं पढ़ सका और आज भी कमती वक्त मुझे मिला है ये खबरें पढ़ने के लिए। बस यहाँ तक था देश विदेश की खबरें। अब मैं एक लतीफा सुना करके ये तमाम खबरें खत्म करूंगा और आज का लतीफा इस तरह से है। एगो डायरेक्टर ताज्जुब के साथ देखे एगो काम करता ओकर सेक्रेटरी से के चापक करके खूब बोसी बरासा करे। गुस्सा में डायरेक्टर बोले यही खातिर तक तनख्वाह मिले। आदमिया बोले ना मनेर ये बोसी बरासा के लिए हम तनखा ना ले ला, हम सो सो में करेला हा। आप हंसते हंसाते मुझे इजाजत दीजिए।